रिसेंटली लैंडमार्क कार्स का IPO आया था और कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 1800 करोड़ के आसपास की। तो कंपनी के थोड़े बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा लगी, क्योंकि अगर मैं कंपनी के प्योर एबिटडा मार्जिन की बात करूँ, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है कंपनी को जज करने का, वो कंपनी का अराउंड 3 से 6% के मार्जिन पर कंपनी काम करती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे शायद आपको वैल्यूएशन की वजह से इस कंपनी में आपका एक इंटरेस्ट एरिया ना बने, क्योंकि मुझे लगा इस कंपनी के प्रमोटर्स ने जो लिस्टिंग करी है वो एक हायर रेंट पे कंपनी की वैल्यूएशन में कंपनी को लिस्ट किया है। तो कंपनी ने न्यू शेयर होल्डर्स के लिए टेबल पे कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन की परसेंटेज नहीं छोड़ी, तो इस रीज़न की वजह से मैं इस कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूँगा जब तक मेरे कंफर्ट लेवल पे कंपनी की वैल्यूएशन नहीं आ जाती। तो जब अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि मर्सिडीज़, वॉल्सवैगन, होंडा, जीप जैसी कंपनीज के इस कंपनी के पास डीलरशिप है। तो कंपनी के अराउंड इंडिया में 112 डीलरशिप्स हैं जिनको वो आउटलेट कहते हैं, और कंपनी की इंटायर वैल्यू चेन में कंपनी ऑपरेट करती है, जैसे कि गाड़ियों को सेल करना, गाड़ियों को रिपेयर करना, गाड़ियों को प्री ओन करके बेचना। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेन में कंपनी ऑपरेट करती है, और कंपनी का 40% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में आता है। लेकिन कंपनी की जो सबसे प्रॉब्लम एरिया मुझे ये लगा कि ये जो बिजनेस है उसके अंदर आपका 3 से 6% का बिजनेस है और आपको अपनी इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है, तो इसके अंदर आपको एक डेट भी रखना पड़ेगा पूरा टाइम वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये बिजनेस के अंदर पैसा कमाना होगा आपका इंटरेस्ट पे खेलने वाली बात, बट जैसे जैसे इंडिया के अंदर आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इस बिजनेस के अंदर जो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी आपको इन्वेंट्री रखने की वजह से, तो उसकी वजह से शायद कंपनी के फंडामेंटल्स में दिक्कत रहे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेरे लेवल पे नहीं आ सकती। तो रीज़न बीइंग, अगर आप ऐसी कंपनीज को सिर्फ ग्लैमर वे की वजह से आप इन्वेस्ट करें तो शायद आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न्स ना मिले। तो आप भी इस कंपनी को अपने क्राइटेरिया में रखें, जब कंपनी एक अच्छे लेवल पे आके रुक जाए तो मैं भी उस टाइम का वेट करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को कंपनी के सिर्फ जो उन्होंने बातें बोली हैं कि मर्सिडीज़ का 16% गाड़ियाँ जो सेल होती हैं वो लैंडमार्क कार्स की वजह से होती हैं, वो बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं मर्सिडीज़ के, तो ये रीजंस जो हैं अगर मुझे फंडामेंटली कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं दिख रही हैं चीज़ें, क्योंकि मर्सिडीज़ जैसा ब्रांड जो है उसको सेल करने के लिए आपको एक डीलरशिप में ज़्यादा इंसेंटिव नहीं देने की ज़रूरत, क्योंकि जिस बंदे ने गाड़ी खरीदनी है वो सिर्फ कंपनी के मॉडल की वजह से ही आपके शोरूम में आ जाएगा और उसमें एक पुश सेल की ज़रूरत नहीं होती। तो इस रीज़न की वजह से जो डीलरशिप्स होती हैं उनको थोड़े से मार्जिन्स भी कम मिलते हैं, प्लस कंपनी के जो डिफरेंट डीलरशिप्स हैं डिफरेंट कार कंपनीज के, जैसे कि जीप, वॉल्सवैगन, ये मार्केट के अंदर इनकी कुछ ज़्यादा परसेंटेज शेयर तो है नहीं इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। तो इस रीज़न की वजह से मुझे कंपनी के थोड़े फ्यूचर ग्रोथ ऑस्पेक्ट में दिक्कत दिखती है, क्योंकि पहली बात तो वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है, प्लस इनके पास सिर्फ एक ही सेलिंग पॉइंट है मर्सिडीज़ की डीलरशिप, और कंपनी के जो नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं वो भी अभी काफ़ी कम है। तो मैं थोड़ा टाइम वेट करूँगा इस कंपनी को अपने लेवल पे आने के लिए, और आप भी वेट करें अच्छे प्राइस के लिए, एंट्री लेने के लिए। थैंक यू।